भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सियासत यहां गर्मा गई है। दरअसल हॉस्टल के कुछ छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि वार्डन के मंदिर जाने पर रोक लगाई गई है। एक तरफ इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने वार्डन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं वार्डन के समर्थन में उतरकर एनएसयूआई और एबीवीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सरासर राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी इतनी सी है कि अपना राजनीति को उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है एबीवीपी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये है कि एबीवीपी की जो एक पदाधिकारी हैं, उनकी एक बहन का एडमिशन होना था इस हॉस्टल में, जिसमें वार्डन और चीफ वार्डन की अनुमति लगती है किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन के टाइम पे, पर मेरिट लिस्ट पे वो लोग नहीं आ पाए और मेरिट लिस्ट में नहीं आने की वजह से उनका एडमिशन खारिज कर दिया गया था इस हॉस्टल के अंदर। तो अपना उल्लू और अपना दबाव डालने के लिए यहाँ पे वार्डनों का नाम लिया जा रहा है और इसको राजनीतिक मुद्दा धर्म के नाम पे बनाया जा रहा है, जो कि एनएसए इस विश्वविद्यालय के अंदर कभी नहीं होने देगी।